नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एनटीपीसी का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आ चुका है और कल से इसके फॉर्म के आवेदन भी चालू हो जाएंगे। तो आप सभी बच्चे जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई अपने कान खड़े कर लीजिए, बिल्कुल कमर कस लीजिए और तत्पर हो जाइए सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी वीडियो में आपको बहुत जल्दी आऊंगा कि आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना है, कौन से पद आपके लिए ज्यादा बेहतर है, जो पद है उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है और कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आज शाम तक आपको दे दूंगा। अभी आप ये देख लीजिए कि आपका शॉर्ट नोटिस जो अभी ऑफिशियली आ चुका है रेलवे की तरफ से, इन्होंने अभी जो दिया है, जो आपका एक नया पद बना है चीफ कमर्शियल कम टिकट, जो आपका सुपरवाइजर है ना, जो सीसीसीटीएस एक नया पद बना है आपका स्टेशन मास्टर, जिसे लेवल 6 में रखा गया है 35,400 और ये 1836। और ये अगर देखा जाए गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो सबसे ज्यादा पैसा वाली पोस्ट है वो गुड्स ट्रेन मैनेजर ही होता है, स्टेशन मास्टर होता है ये दोनों, तो सबसे ज्यादा पैसा तो गुड्स ट्रेन मैनेजर ही देता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। तो ये आपका देखा जाए तो 14 तारीख से, यानी कि आपकी कल से आपका क्या हो जाएगा, कल से आप इसमें आवेदन कर पाओगे, ठीक है। और कल मतलब कि आज रात 12 बजे से आवेदन कर सकते हो। टोटल पदों की संख्या 8113 है। ये कौन सा है, ये आपका CN5 2024 है, जिसमें लेवल 5 और 6 को रखे हैं। लेवल 2 3 4 को तो इस बार रखे ही नहीं, लेवल 2 3 को अगर बात किया जाए तो वो CN6 2024 में रखे हैं और वो आपका क्या होगा 21 सितंबर से चालू होगा। तो उसका शॉर्ट नोटिस लगभग 19 सितंबर को आएगा, उसका शॉर्ट नोटिस अभी जारी नहीं किया गया है। बाकी आपको ये सारी डिटेल पता होगी कि टीम परीक्षा प्लस आपके इसकी तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन पोस्ट ला रही है। पिछली बार वैकेंसीज काफी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसीज काफी कम है, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। तो इस कारण से इस बार जो लक्ष्य है वो आसान नहीं है, इस बार मेहनत ज्यादा है क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है। 5 साल बाद वैकेंसी आई है, उसके बाद भी रिलैक्सेशन है, उसके बाद पद कम है, तो जाहिर सी बात है मेहनत आपको ज्यादा करना होगा। टीम परीक्षा प्लस शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे आपकी बेहतरीन क्लासेस परीक्षा प्लस से यूट्यूब चैनल पे करवाती है। और कोई बच्चे अगर परीक्षा प्लस के इस बेहतरीन टीम से जुड़ना चाहते हैं, जो आपका मात्र ₹199 में सारी लाइव क्लासेस, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके जो क्लास की पीडीएफ है, जो आपकी बुकलेट पीडीएफ है बेहतर तरीके से, वो सब कुछ आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे, पेड कोर्स में जाएंगे और परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको सारा सेगमेंट आप बेहतर तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं परीक्षा प्लस ऐप से। साथ में वो इंपॉर्टेंट किताबें जो आपको जरूरत होती हैं, वो किताबें भी आपको ईबुक सेक्शन में 10-10 15-15 रुपए में अपडेट कर दी जाती हैं, ताकि आप इन सब किताबों को भी, जो आपका मन पसंद पसंदीदा है, आप उनको ले सकते हो। ये मैंने आपको एक सैलरी स्लिप वाला बताया था कि किसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप देखोगे गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तो इसकी सैलरी लगभग 90,000-1 लाख तक चली जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ट्रेवल अलाउंस होता है, मैंने आपको बोला था कि जो डिस्टेंस किलोमीटर अलाउंस है, 50,000-60,000 रुपए तक बच्चों को क्या होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये एक बेहतर है, इस कारण से मैं आपको गुड्स ट्रेन, जो बच्चे लड़के हैं उनके लिए गुड्स ट्रेन मैनेजर बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है। हालांकि एक एक पद के लिए जो आपके आने वाले हैं सबका मैं जॉब प्रोफाइल आपका आज से कल में अपलोड कर दूंगा और बेहतर तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। पहले मैं लेवल 5 और लेवल 6 वाला कर दूंगा, फिर आपके लेवल 2 और 3 कर दूंगा। तो उस हिसाब से जब आप लोग फॉर्म भरिएगा तो पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। इस बार बदलाव, इस बार क्योंकि अलग अलग सीएन है, अलग अलग आपके क्या नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, तो इस बार लेवल 2 3 वालों का पेपर अलग होगा, लेवल 4 5 वालों का पेपर अलग होगा। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस बार केवल CBT 1 ही हो, मतलब कि मेंस इसका ना हो, CBT 2 ना हो, तो एक ही CBT में आपको सारी मेहनत करनी है। अगर एक ही CBT होगा तो आपको मेहनत और भी करना होगा, क्योंकि वहीं से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जिनको टाइपिंग करना होगा टाइपिंग, जो साइको टेस्ट होगा साइको, साइको वाला केवल स्टेशन मास्टर है, बाकी कोई पद आया ही नहीं है। पर टाइपिंग वाले में भी केवल 2 ही 3 पद है, क्योंकि कुल मिला के 6-7 पद ही तो इस बार आए ही हैं। कितने पद आए हैं आपके, इतने ही पद इस बार आए हुए हैं। तो इस कारण से बोल रहा हूं कि अगर आपका सीबीटी सिंगल स्टेज में हुआ तो आपको मेहनत ज्यादा करनी, इस कारण से आप परीक्षा प्लस ऐप से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए, वेट मत करिए। ये आपका क्या होता है सिलेबस पैटर्न होता है, इस सिलेबस पैटर्न पे आपकी अपनी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी और ये आपका क्या है, ये आपका सिलेबस है। चलिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी टीम से जुड़ने के लिए, कोर्स से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में परीक्षा प्लस ऐप का लिंक है, इस लिंक से आप जाके अपने कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन बना सकते हैं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।